सो हाय गाइस, तो मित्रों और मित्रनियों, अपने गेम के अंदर आप लोगों को इस बार अपडेट के बाद दो चीज़ें कमाल का देखने को मिलने वाला है। पहला होने वाला है अपना गोल्ड रॉयल और दूसरा होने वाला है अपना एफएफ टोकन का बंडल। गाइस देखो, आप सबको इस बार अपने एफएफ टोकन में एक बहुत ही कमाल का बंडल देखने को मिलने वाला है, साथ में कुछ खतरनाक से रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे अपने एफएफ टोकन से एक्सचेंज करने पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सो गाइस देखो, जबकि आप लोगों को दोनों रिवॉर्ड्स ही काफी शानदार देखने को मिलेंगे, जैसे कि एफएफ टोकन का बंडल और नेक्स्ट गोल्ड रॉयल। इसलिए गाइस आज के इस वीडियो के अंदर इन दोनों का मैं रिव्यू करने वाला हूं, नेक्स्ट गोल्ड रॉयल देखने में कैसा है और एफएफ टोकन में क्या कुछ आप लोगों को रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। और साथ में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में, कुछ अपकमिंग चेंजमेंट के बारे में, जो कि आप लोगों को अपडेट के बाद गेम के अंदर देखने को मिलेंगे हर बार की तरह। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके अलावा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने ब्लैक टी-शर्ट के बारे में, क्योंकि ब्लैक टी-शर्ट अपने गेम के अंदर बैक नहीं आने वाला है। जी हां, बिल्कुल सही सुनो, ब्लैक टी-शर्ट बैक नहीं आएगा, बल्कि ब्लैक टी-शर्ट को रिन्यू करके कुछ खतरनाक तरीके से बनाकर गेम के अंदर ब्लैक टी-शर्ट बैक आएगा। तो वो देखने में कैसा है, कब तक आएगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। वैसे हां गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक न्यू ओएव इवेंट के बारे में, साथ में बात करने वाले एक न्यू फेडेड व्हील इवेंट के ऊपर, और कुछ ओल्ड आइटम्स अपने गेम के अंदर बैक आने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का है। तो आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा, बस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लीजिएगा। तो आओ गाइस, अब बिना टाइम गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ चेंजमेंट से, जो कि आप सबको अपडेट के बाद गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। गाइस देखो, यहां पर आप लोग एक चीज जानते हो कि आप लोग सोलो में अपने आप को खुद को रिवाइव कर पाओगे अपडेट के बाद से, मतलब OB38 अपडेट के बाद सोलो में भी खुद को खुद रिवाइव कर सकते हो। हालांकि ये रिवाइव खुद को खुद नहीं कर पाओगे, बल्कि गरना वाले आपको ऑटोमेटिकली रिवाइव करा देंगे गेम के अंदर। लेकिन हां, इसके भी कुछ रूल्स है कि आप लोग किस बेसिस पर रिवाइव हो पाओगे, बाकी आप लोग कैसे रिवाइव होने वाले हो वो आप लोग कैसे यहाँ पर देख पा रहे हो। जैसे आप लोग मर जाओगे, उसके 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली आप लोग गेम के अंदर फिर से बैक आ जाओगे रिवाइव होकर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर वीडियो के अंदर कैसे देख ही पा रहे हो, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, जैसे ही मैं मर गया तो भाई ऑटोमेटिक 5 सेकंड के अंदर मैं फिर से गेम के अंदर बैक आ गया रिवाइव होकर। लेकिन ये तब तक काम करेगा जब तक कि गेम के अंदर आप लोग लैंडिंग करते हो, करने के बाद 3 मिनट तक इसको गिना जाएगा, 180 सेकंड, मतलब 180 सेकंड तक ये सिस्टम काम करने वाला है सोलो में। उसके बाद भाई आप लोग रिवाइव खुद को खुद नहीं कर पाओगे, मतलब रिवाइव नहीं हो पाओगे। तो आप लोग याद रखना एक चीज, आप लोग को 3 मिनट के अंदर मरना है गेम प्ले स्टार्ट होने के बाद। अब बात करिए मिनट कब से गिनना शुरू होगा, तो भाई देखो जैसे ही लॉबी से अपना प्लेन छोड़ देगा, तो भाई प्लेन छोड़ने के बाद ही ये सिस्टम, मतलब ये जो टाइमिंग है, ये काउंट किया जाएगा। और जैसे ही 3 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, 3 मिनट के बाद आप लोग अगर मर जाते हो तो भाई डायरेक्टली मर जाओगे, उसके बाद आप लोग खुद को खुद रिवाइव नहीं कर सकते हो। तो उम्मीद है इसके ये सिस्टम के बारे में आप लोग को पता चल गया कि भाई अपना जो सोलो रिवाइव है ये किस तरीके से काम करने वाला है। अब बढ़ते आगे और बात करने वाले हैं नेक्स्ट चेंजमेंट के बारे में। अब गाइस देखो, आप लोग तो जानते हो जब भी गेम के अंदर OB38 का अपडेट आता है, मतलब ओबी का अपडेट आता है बेसिकली, इस बार तो OB38 का अपडेट आने जा रहा है, और आप लोग को हर बार अपडेट के बाद कुछ न्यू लॉबी अपने गेम के अंदर देखने को मिलता है। तो इस बार भी गेम के अंदर OB38 का अपडेट आने वाला है, और इस अपडेट के बाद भी आप सबको अपने गेम में कुछ न्यू लॉबी वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। वैसे मेरे पास 2 लॉबी का यहाँ पर लीक आ गया है, सब लोग यहाँ पर 2 लॉबी आपको मैं दिखाता हूँ, देखने में कैसा कुछ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। पहले तो होने वाला है इन गेम का लॉबी, जो कि आप लोग ग्रुप वगैरह बनाते हो उस टाइम पे कुछ इस तरीके से आप लोग को लॉबी मिलेंगे। उसके बाद गाइस जैसे आपका गेम वगैरह खत्म होता है, देन आप लोग को कुछ इस तरीके से लॉबी वगैरह अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं OB38 अपडेट के बाद। बाकी आओ गाइस अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, जिनमें कि सबसे पहले गाइस आपको मैं एक फेडेड व्हील इवेंट का रिव्यू करना चाहता हूँ। गाइस आप लोग यहाँ पर एक नया फेडेड व्हील का इवेंट देख पा रहे हो, जिसके अंदर कि एक फीमेल का बंडल दिया गया है, साथ में एक बेहतरीन इमोट दिया गया है। अब गाइस को इसका रिव्यू करना आप लोगों को अभी तक समझ में आएगा नहीं, जब तक मैं इसको फुल क्लियर नहीं करूंगा। बेसिकली गाइस यहाँ पर आप लोग जितने भी आइटम्स वगैरह देख पा रहे हो, जो कि अपने फेडेड व्हील इवेंट के अंदर आ रखा है, ये सब कुछ अपने स्क्वाड बिट्स इवेंट का, जो कि आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले अपने गेम के अंदर आया था, और अब तक इसके आइटम्स को गेम के अंदर बैक नहीं दिया गया है। लेकिन गाइस मैं कंफर्म कर दूं, आप में से ऐसे बहुत सारे भाई लोगों जो कि स्क्वाड बिट्स में कुछ आइटम्स को मतलब चाहते हो कि वो गेम के अंदर बैक आ जाए, इसलिए गाइस गरना वालों ने यहाँ पर ऑलरेडी बाहर के सर्वर के अंदर स्क्वाड बिट्स का जितने भी आइटम्स था उन सबको धीरे धीरे देना स्टार्ट कर दिया है। और आप लोग जान लो, आप लोगों को अपने इंडिया सर्वर के अंदर फिर से अपने स्क्वाड बिट का जितने भी आइटम्स वगैरह है वो सब कुछ बैक देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्क्वाड बिट्स का बंडल वगैरह हो गया, साथ में गाइस बेहतरीन आइटम्स वगैरह सब कुछ गेम के अंदर बैक आने वाला है। और गाइस यहाँ पर आप लोग इस वाले फेडरल इवेंट के अंदर एक इमोट भी देखे हो, जो कि आपको मैं कुछ टाइम पहले इमोट का रिव्यू करा था, गाइस वो इमोट भी अपने स्क्वाड बिट्स इवेंट का ही है, लेकिन वो इमोट ऑलरेडी अपने बांग्लादेश सर्वर के अंदर दे दिया गया है, BD सर्वर के अंदर। तो इसलिए काफी जल्द आप लोग को अपने इंडिया सर्वर के अंदर भी स्क्वाड बिट्स का आइटम बैक देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इसका एक आइटम नहीं बल्कि इसके थीम पे और भी कुछ आइटम्स मेरे पास निकल कर आ गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर और एक इवेंट का इंटरफेस देख पा रहे हो, जो कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इसके अंदर एक मेल का बंडल दिया गया है। कुछ टाइम पहले आपको जो फीमेल बंडल का मैं रिव्यू कराया था उसी का ये मेल बंडल है, और इस वाले मेल बंडल को भी एक इवेंट के अंदर दिया गया, जो कि एक ओ इवेंट है। एंड गाइस देखो, आप लोग लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो, यहाँ पर मेल का बंडल नहीं बल्कि साथ में और भी काफी सारे आइटम्स को दिया गया है, जो कि जिनमें कि ऑलमोस्ट हर एक आइटम अपने स्क्वाड बिट्स इवेंट का ही है। वैसे हाँ, कुछ अलग आइटम्स भी इस वाले इवेंट के अंदर दिया गया है। तो गाइस मैं कंफर्म कर दूं, आप सबको बहुत जल्द अपने इंडिया सर्वर के अंदर कुछ अलग अलग इवेंट वगैरह देखने को मिलेंगे, जिनमें कि स्क्वाड बिट्स के थीम पे बंडल वगैरह बैक कराया जाएगा, साथ में स्क्वाड बिट्स के थीम पे जो भी आइटम्स गेम के अंदर 1 साल पहले आया था वो सब कुछ बैक आएगा। बाकी गाइस आप में से जिनको जो भी बंडल बढ़िया लगता है अपने स्क्वाड बिट्स इवेंट का, तो आप लोग उस वाले अंदर इवेंट के अंदर से बंडल वगैरह एक्सचेंज कर सकते हो। बाकी आओ गाइस अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम बात करने वाले अपने ब्लैक टी-शर्ट के बारे में, कि आपको शुरुआत में मैंने क्यों कहा था कि अपने गेम के अंदर ब्लैक टी-शर्ट बैक नहीं आएगा। अब गाइस को
आप लोग ये चीज जानते हो कि आप लोग को विंटर उइस के अंदर पिछले साल ब्लैक टी शर्ट बैग देखने को मिला था, लेकिन आप लोग गाइस यहाँ पर देख पा रहे हो अपना जो ब्लैक टी शर्ट है वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं है। मतलब ब्लैक टी शर्ट के ऊपर आप लोग को एक नया लोगो देखने को मिलेंगे जो कि अपने एक न्यू ब्रांड है जिसका नाम है मॉनसन ऑर्गना, और वो अपने गेम के अंदर आएगा हॉरिजन वर्सेस बरमुंडा का एक न्यू इवेंट स्पेशल। और उसी वाले इवेंट का जो इंटरफेस है गाइस, उसी वाले इवेंट का जो मेन लोगो है उसी लोगो को अपने ब्लैक टी शर्ट के अंदर ऐड किया गया है। तो जैसे अपने गेम के अंदर ब्लैक टी शर्ट बैग आएगा उसके अंदर आप लोग को आगे से कुछ इस तरीके से नया लोगो देखने को मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं भाई अपना जो ब्लैक टी शर्ट है वो आगे से आप लोग को बिल्कुल साफ सुथरा ब्लैक टी शर्ट देखने को नहीं मिलेंगे, एक न्यू लोगो के साथ में आप लोग को ब्लैक टी शर्ट गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये चेंजमेंट जो भी है भाई, ये जो भी किया है करने वालों ने, आप सबको कैसा लगा है आप लोग बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अब बढ़ते वीडियो में आगे, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में। तो सबसे पहली बात गाइस, को अभी के टाइम पे गेम के अंदर जो गोल्ड रॉयल चल रहा है वो चल रहा है मेल का बंडल। हालांकि बंडल ओल्ड बंडल है जिसको मतलब OV36 अपडेट में आना चाहिए था, उसी वाले बंडल को OV37 अपडेट में दिया गया है गोल्ड रॉयल के अंदर। लेकिन जो भी हो गाइस, आप लोग को मेल का बंडल चल रहा है अभी के टाइम पे देखने को मिला है, इसलिए आप लोग को नेक्स्ट में गोल्ड रॉयल के अंदर फीमेल का बंडल देखने को मिलने वाले हैं। बाकी बात करें इस बार आप लोग को गोल्ड रॉयल के अंदर कैसे कुछ बंडल देखने को मिलेंगे, तो गाइस देखो आप लोग यहां पर फीमेल का बंडल देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आप लोग को नेक्स्ट में फीमेल का बंडल देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इसको मैं देखकर कुछ ऐसे ही कहा था, ओह यार यानी कितनी औसम है। खैर मजाक से हट के बात करें गाइस, आप सभी को नेक्स्ट में अपने गोल्ड रॉयल के अंदर यही वाला फीमेल का बंडल देखने को मिलने वाला है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है भाई, एकदम खतरनाक से बंडल करने वाले ने दिया इस बार गोल्ड रॉयल के अंदर। मैं सही बताऊं तो गाइस देखो, जब भी करने वाले अपने फीमेल का बंडल अपने गोल्ड रॉयल के अंदर देते हैं तो भाई मुझे थोड़ा सा तकलीफ होता है कि यार फीमेल का जगह पर अगर मेल का बंडल आता तो कितना बढ़िया होता, लेकिन पहली बार ऐसा है कि कुछ फीमेल का बंडल करने वाले ने दिया है और मुझे इस बार करने से कोई शिकायत नहीं है, बंडल बहुत ही बढ़िया है। बाकी आप सभी को नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का बंडल देखने में कैसा कुछ लगा है कमेंट में अपना योगदान दीजिएगा, और अपना ओपिनियन बताइएगा कैसा लगा है आप सभी को। बाकी यार अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले अपने मेन पॉइंट की, मतलब मेन अपडेट की, जो कि बेसिकली अपना एफएफ टोकन का बंडल। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, आप सबको नेक्स्ट में अपने एफएफ टोकन में एक मेल का बंडल देखने को मिलने वाले हैं, और इस बार का जो मेल का बंडल है वो आप लोगों को मिलेंगे ब्लू कलर में। अब ये आपको बता इसलिए रहा हूं बिकॉज मेरे पास बंडल का फुल रिव्यू नहीं है, बस मेरे पास एक स्क्रीन शॉट है जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मेल का बंडल अपने एफएफ टोकन में देखने को मिलने वाले हैं। मैं जानता हूं इसका क्वालिटी थोड़ा सा खराब है और बंडल पूरा फुल दिख नहीं रहा है, लेकिन भैया क्या करो, अपडेट ढूंढते रहे, मेरे पास इतना ही बंडल का प्री एक्सेस या फिर काजे लीक्स वगैरह आया हुआ है जो कि यहाँ पर मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। क्योंकि गाइस देखो बंडल तो आप लोगों को वही मिलेंगे, लेकिन हाँ बस मेरे पास शायद से और एक या फिर दो दिन के अंदर इस बंडल का पूरा फुल रिव्यू आ जाएगा। जैसे मेरे पास रिव्यू गाइस आ जाएगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पूरा फुल रिव्यू करा देने वाला हूँ, बंडल देखने में कैसा लगेगा। बाकी गाइस यहाँ पर हम बात करें इसके अलावा कुछ और रिवॉर्ड्स की, तो भाई देखो अभी तक जितना कंफर्म गाइस हुआ है वो तो भाई बंडल ही है, लेकिन अगर ना वाले कुछ और भी रिवॉर्ड आप लोग अपने एफएफ टोकन के अंदर ऐड करा देंगे गाइस, क्योंकि आप लोग जानते ही हो चाहे वो एफएफ टोकन हो या फिर गाइस हो अपना रैंक टोकन, दोनों के अंदर आप लोग को जब भी अपडेट देखने को मिलता है तो भाई साथ में कुछ और भी रिवॉर्ड्स आप लोग को एक ही साथ में देखने को मिलता है। जिस वजह से गाइस ये बात भी बिल्कुल 100% कंफर्म है कि इस बार आप लोग को अपने एफएफ टोकन के अंदर कुछ और भी रिवॉर्ड्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि अगर मेरे पास उसका रिव्यू वगैरह आ जाता है एक से दो दिन के अंदर तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका रिव्यू करा दूंगा। तो बेसिकली गाइस यही कुछ अपडेट्स था मेरे पास जो कि आप सबको 12 जनवरी के दिन अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि 11 जनवरी के दिन गेम के अंदर OV38 का अपडेट आएगा और रात 12 बजे के बाद अपना गोल्ड रॉयल एंड एफएफ टोकन दोनों ही चेंज हो जाएगा। तो आप लोग उसके बाद कुछ इस तरीके से रिवॉर्ड्स वगैरह देखने को मिलने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ हर दिन की तरह कल शाम को और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ में गाइस, तब तक के लिए बाय।